हेलो स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स की डिमांड कंटिन्यू आ रही थी कि सर क्लास 11 के चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, तो फिर से मैं वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। जितना जैसा टाइम एडजस्टमेंट होता है बच्चों में वैसा बना दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक शॉर्ट में आ जाता है स्कोप ऑफ फिजिक्स। ये फिजिकल वर्ल्ड का ही हमारा सेकेंड पार्ट है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो इसको फिजिक्स का स्कोप कहां से कहां आया, तो वेरी स्मॉल थिंग्स से वेरी लार्ज थिंग्स तक है। मतलब इलेक्ट्रॉन से लेकर, अगर स्मॉल साइज की बात करें, इलेक्ट्रॉन से लेकर यूनिवर्स के बारे में सारी स्टडी हम करते हैं। तो इसका स्कोप आप समझ सकते हैं कि स्कोप माइक्रो से मतलब बहुत छोटे से बहुत बड़े तक होता है। देखिए, अगर हम इस टाइम स्केल की बात करें तो हम 10^18 सेकेंड से लेकर 10^-22 सेकेंड तक बात कर सकते हैं। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल स्केल की बात करें तो 10^18 सेकेंड मतलब बहुत सारे ईयर्स हो जाएंगे, एंड 10^-22 सेकेंड मतलब बहुत बहुत स्मॉल टाइम हो जाएगा। मतलब टाइम के एस्पेक्ट में बोले तो इतने ज्यादा टाइम से इतने टाइम तक, इतने कम टाइम तक। अब हम मास की बात करें तो सबसे बड़ा मास जो हमारा नॉन यूनिवर्स है, ये किसका मास है? नॉन यूनिवर्स का मास नियर अबाउट कितना है? 10^55 kg। मतलब इतने लार्ज मास से लेकर वेरी स्मॉल मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी जितना हमें स्मॉल पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल का पता है वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं। तो ये देखिए, स्कोप बहुत ज्यादा है कह सकते हैं। चलिए, तो माइक्रो टू मैक्रो। अब हम कहें कि फिजिक्स में एक्साइटमेंट, देखिए हेडिंग में आता है एक्साइटमेंट इन फिजिक्स। क्या है ऐसा फिजिक्स में जो एक्साइटमेंट क्रिएट करता है कि फिजिक्स इंटरेस्ट होता है? मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, कई टीचर्स को भी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि वो कॉमर्स पढ़ाते हैं तो उनको इंटरेस्ट कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी रहता है। तो एक सब्जेक्ट ही ऐसा इतना इंटरेस्टिंग ही है। तो ओवरऑल क्या है टीचर में जब हो सकता तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स में तो होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि ये चीज ऐसे क्यों हुए सर। यस, तो इसीलिए हम कहें कि इसमें फिजिक्स में क्या है, एक्साइटमेंट भी है। देखिए, कुछ रीजंस हो सकते हैं, उनमें से मैंने कुछ रीजंस यहां पर नोट किए हैं। एप्लीकेशंस ऑफ फिजिकल लॉज फॉर सेवरल न्यू इन्वेंशंस। देखिए, फिजिकल लॉज ही यूज होते हैं सेवरल इन्वेंशन के लिए, आर वेरी इनोवेटिव एंड दस वेरी एक्साइटिंग। कुछ फिजिकल लॉ होते हैं, उन्हीं पर बेस्ड कोई डिवाइसेस बन पाती है, तो है ना। ओके, सेकंड पॉइंट मैंने यहां पर नोट किया है, इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। नेचर के सीक्रेट जानने के लिए कुछ इमेजिन करने वाले कुछ हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ओके, एंड टू वेरीफाई थ्योरीज विच आर चैलेंजिंग एंड दस एक्साइटिंग। कुछ ऐसी थ्योरी भी हम सुलझाने की कोशिश करते हैं जो बहुत चैलेंजिंग होती है। तो ये चीजें जो चैलेंज होता है जिसमें, जब थोड़ा, तो डेफिनेटली उसमें एक्साइटमेंट तो होता है। आप लोग अगर थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को तो थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ओके, रिलेशन अमंग फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। देखिए, बहुत अच्छा रिलेशन है, रिलेशन अमंग फिजिक्स। फिजिक्स है तो लॉज होंगे और लॉज पर ही बेस्ड टेक्नोलॉजी होती हो, और जो टेक्नोलॉजी बनी है वो किसके लिए बनी है? अरे भाई, हम लोगों के लिए तो बनी है, सोसाइटी के लिए बनी है, एंड वी आर बी ऑल दी मेंबर ऑफ दी सोसाइटी। तो देखते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस इन वेरियस फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन टू इन्वेंट यूजफुल थिंग्स और टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे हम एग्जाम्पल बात करें कि एरोप्लेन क्या है? टेक्नोलॉजी है, बना किसके लिए? सोसाइटी के लिए। लेकिन फिजिक्स का इसमें क्या रोल है? फिजिक्स का रोल अगर बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज नहीं कर पाते, हमें बर्नौलीज प्रिंसिपल पता नहीं हो पाता, तो हम जो टेक्नोलॉजी है एरोप्लेन नहीं बना पाते। अगर एरोप्लेन अगर बना तो डेफिनेटली ये किसके लिए बना है? हम सोशल पर्सन के लिए ही बना है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। इन नेक्स्ट पार्ट आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस सम मोर थिंग्स। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।